हेलो फ्रेंड्स, कल हमने HAS के जो एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उनको हमने डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे और उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था। अ सम ऑफ मनी अमाउंट 2,6,690 आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है जी, कोई अमाउंट है, कोई सम ऑफ मनी है, वो इतना हो जाता है कितने, 3 साल में। ठीक है जी, एक्स ले लो उसको, वो 3 ईयर्स में कितना हो जाता है, 6,690 हो जाता है। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट क्या लिखा है, 2,10,035 आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है जी, 10,035 6 साल बाद हो जाता है, यही अमाउंट 6 ईयर्स के बाद कितना हो जाता है, 10,035। ठीक है जी, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इसमें। ठीक है जी, देन द सम ऑफ द मनी, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो इन ऑप्शंस में से आपका कोई आंसर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए आप, 3 ईयर्स में इतना हो रहा है और इस 6 ईयर में इतना हो रहा है, तो यहाँ से 3 ईयर्स में कितना होगा, कितने टाइम्स होगा, आप उसको निकाल लो, कितना टाइम्स होगा, 10,035 डिवाइडेड बाय, जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि 3 ईयर्स में वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी एक्स भी, ये यहाँ पे कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, 1.5 टाइम्स, ये कितना करेगा, 1.5 टाइम्स, और अगले 3 साल के लिए 1.5 टाइम्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स इंटू 1.5 टाइम्स इसका निकाल लो, तो कितना होगा, 6,690। अब आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स इज इक्वल टू 6,690 अपॉन 15, एक जीरो ऊपर लगा लो। अब इसको कट कर दो, 4 से 60 फिर से जाएगा, 4 से 60 बचा 9, 90, 15 छिका 90, 0, 44,60। और यहां पे कौन सा ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ द स्कूल इज 24। हर एक सेक्शन में 24 स्टूडेंट हैं। आफ्टर एडमिटिंग न्यूज, कुछ नए स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं, 3 न्यू सेक्शंस वर स्टार्टेड। ठीक है जी, 3 नए सेक्शन बना देते हैं फिर, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हो जाते हैं, 16। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कितने सेक्शंस थे, 3 माइनस कर दो 13, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 3 नए सेक्शन बने हैं तो ये 16 हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, एंड देर आर 21 स्टूडेंट्स, तो इसमें 21 स्टूडेंट्स है, तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एडमिटेड इज, तो नए स्टूडेंट्स कितने होंगे जो एडमिट, मतलब जिन्होंने एडमिशन ली है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, पहले इतने थे 52, 5 3 26 और 5 31, 312 पहले थे, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई करेंगे, 336, तो माइनस कर दो, वो आपका आंसर होगा 12 12 12, तो इसका 24। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है जी, दो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। एक और ये एलजेब्रा का क्वेश्चन आया था, इफ ए इज इक्वल टू बी की पावर एक्स, बी इज इक्वल टू सी की पावर वाई, एंड सी इज इक्वल टू ए की पावर जेड, देन फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमारे ऑप्शन थे -1, बी है 0, C1 और D जो है ABC। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, इसको आंसर निकालते हैं। फर्स्टली आपको क्या करना है, यहां पर A इज इक्वल टू B की पावर X। ठीक है जी, अब आपको यहां पर क्या करना है, B की वैल्यू पुट कर लो, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, सी की पावर वाई, तो यहाँ पे लिख लो सी की पावर वाई, और एक्स तो ऊपर रहेगी रहेगी, तो कितना आ जाएगा, सी की पावर वाई एक्स,
ये मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ही है बेसिक। तो अब आपके पास a इज इक्वल टू सी की पावर वाई एक्स आ गया। अब आप c की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पर, a इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, a की पावर z है, तो a की पावर z और आगे क्या है यहाँ पर वाई एक्स, ठीक है जी। अब आप फिर से इनको मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो आपके पास क्या आया, a इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ ए की पावर कितनी है, वन, ठीक है जी। तो जब बेसिस बेस सेम है तो आपको पता ही है पावर्स भी सेम होंगी, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन, और ये आपका आंसर है। और आपका कौन सा आ जाता है, ये ऑप्शन सी, दैट इज योर राइट आंसर। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन अ कर्वन इन एडिशन टू 50 हैंस, कोई मेला है उसमें 50 मुर्गियां हैं, 40 गोट्स हैं और 8 कैमल्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हैंस हैंस कितनी है 50, गोट कितनी है 45 और कैमल्स 8 है, ठीक है जी। विद सम कीपर्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीड्स, जो फीड्स हैं 224 मोर देन नंबर ऑफ हेड्स, जो सिरों की जो संख्या है उनसे 224 फीट जो है ज्यादा है, बस ये स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। और यहाँ पे कुछ बताया कीपर्स है, तो हम उन कीपर्स को एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमें यही निकालना है, एक्स जो हमारे क्या आ जाएंगे कीपर्स, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें पता ही है मुर्गी कितनी टांगे होती हैं, दो, और बकरी की चार होती है भाई साहब, कैमल की भी चार होती है, निकाल लो कितने कितने फुट होंगे, 32, 45 गुणा 90, 180, और यहाँ पे कितनी 100, और जो भी कीपर होंगे कोई भी आदमी है तो उनकी तो दो होती ही होती हैं, तो यहाँ पे निकाल लो वो कितने हो जाएंगे 2x, ठीक है जी। तो टोटल फीट्स निकाल लो, 100, 180, 180 और 30, 210 और 212, नहीं 180, 280 और 30 कितना हो जाएगा, 310 और 312 आ जाएगा, 2x प्लस 312, ये आपके पास क्या आया, कितने पाँव, पाँव की जो संख्या है या जो भी है ये आ गई। और हेड्स कितने आपके पास, 50, 40, 90, 90 और 5 95, 95 और 8 103, 103 प्लस x, और हेड जो हैं 103 प्लस एक्स, ये आ गए। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लगा दो, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट बी 224 मोर देन नंबर ऑफ हेड्स, 224 ज़्यादा है, ठीक है जी, क्या नंबर ऑफ फीट्स, तो नंबर ऑफ फीट्स कितने हैं यहाँ पे, 2x प्लस 312 फीट्स हैं, 103 प्लस एक्स प्लस 224, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x, एक्स की टर्म को यहाँ ले आओ, माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कर लो 224, 324 और 327, तो 327 माइनस 312, ये 312 इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू, और 327 और 12, 12 और 12 10 22 और 5 27 15, तो आप कितने, द नंबर ऑफ कीपर्स कितने हो जाएंगे 15, और आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनल इज ट्रेपेजियम इन शेप, ट्रेपेजियम की शेप में, ट्रेपेजियम की शेप आपको पता ही होगा, जस्ट लाइक दैट, द कैनल इज 12 मीटर वाइड एट द टॉप, ठीक है जी, टॉप से कितनी है 12 मीटर। अब हो सकता है इसकी शेप ऐसे हो, तो ये 12 मीटर आ गई, ठीक है जी, एंड 8 मीटर वाइड एट द बॉटम, 8 मीटर है नीचे से, बॉटम से, ठीक है जी। इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 840 स्क्वायर मीटर, देन द डेप्थ ऑफ द कैनल इज, आपको ये निकालना है,
हाइट, ठीक है जी। तो आपको एरिया, आपको सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रेपेज़ियम का एरिया क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू हाफ हाइट इंटू ए प्लस बी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हाइट आपको निकालनी है, एरिया आपको पता है, ठीक है जी, और ए और बी आपको, ए ये ले लो, बी ये ले लो, ठीक है जी। तो एरिया कितना है दिया आपके पास, 840, वैल्यू पुट कर दो, हाफ हाइट आपको निकालनी है इंटू ए प्लस बी, 12 और 8 20, 1 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एच यहाँ पे सिंपली बच गया, एच इज इक्वल टू 84 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था आपका, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज ऑफ 9 आवर्स ईच डे, ठीक है जी। ए जो है 7 दिन में किसी काम को करता है, बट कंडीशन ये है कि वो 9 घंटे ही काम करेगा हर डे, ठीक है जी। एंड बी कैन डू इट इन 6 डेज, वो 6 दिन में कर देगा और 7 ही घंटे वो काम करेगा, 8 घंटे काम नहीं करेगा, वो 7 ही घंटे में अपना काम फिनिश कर देता है वो, और 6 दिन काम करता है, ठीक है। देन हाउ मैनी डेज दे विल टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, जब एक साथ काम करते हैं और 8 ही घंटे दोनों काम करेंगे तो वो कितने डेज में वो कंप्लीट कर लेंगे, हमने इस क्वेश्चन को करना है। ये भी काफी मस्त क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो, ए 7 डेज 9 आवर्स, टोटल कितने आवर्स में कर देगा, है 63, 9 7 63, ठीक है 63, ये क्या आएंगे आपके आवर्स, टोटल कितने 63 आवर्स में कर रहा है, और बी ये कितने आवर्स में करेगा, 6 डेज में 7 7 आवर डेली करेगा तो 42, ठीक है जी। अब टोटल वर्क निकाल लो, अभी मैंने टाइम एंड वर्क की क्लास, अब इसके बाद टाइम एंड वर्क की ही जो मैं क्लास अपलोड करूंगा। अगर आपको इन टॉपिक्स को क्लियर करना है, मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड और भी मैंने टॉपिक्स डाले हैं, तो आप, और काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स भी डाले हैं, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, लाइक तो सभी कहते हैं कि लाइक तो करना ही चाहिए अगर अच्छा हो तो, ठीक है जी। आवर्स आ गए, इतने इतने घंटे ये काम करते हैं और अपने अपने काम को ये 63 घंटे में फिनिश करता है, ये 42 घंटे में फिनिश कर देता है, ठीक है जी। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 63 42, इसका एलसीएम कैसे लोगे, 21 से कर दो, 21 63 21 2 42, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 21 63 63 2 126, तो टोटल वर्क आपके पास 126 आ गया, ठीक है जी, 126 जो है आपका टोटल वर्क आ गया। तो अब हम पर डे वर्क निकाल लेते हैं, भाई साहब कितनी रोटियां खाते हैं ये निकाल लेते हैं। पर डे वर्क नहीं होगा ये, पर आवर वर्क होगा। पर आवर वर्क कैसे निकालेंगे, ये 1 घंटे में कितना कितना काम करेगा, 63 इंटू 2 126, और 42 से इंटू 3, अगर 42 इंटू 3 करेंगे तो 126 आ जाएगा, तो ये 3 काम करेगा 1 घंटे में, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम करें, तो दोनों एक साथ में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ये 5 रोटी खाएंगे 1 घंटे में, ठीक है जी। अब टोटल रोटियां हमारी 126, टोटल काम है 126, तो आपको क्या करना है, 126, 126 रोटियां खिलानी है ना, डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा आपके पास 25.2, तो ये आपके पास कितने आ गए, ये दोनों 25.2 आवर्स में अपने काम को कंप्लीट करेंगे, बट डिवाइडेड बाय 8 कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये दोनों 8 ही घंटे काम करते हैं, 8 3 24, अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, तो आपका आंसर 3 डेज हो जाएगा, क्योंकि
अब 3 पॉइंट समथिंग है, अब इसको फोर्थ डे तो ले नहीं सकते अब, तो 3 डेज ही आएगा, इज इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर। और फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरे चैनल में बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।